110%, you will see Olympia champion being produced from India in any of these categories before 2020. शेरू आंग्रेश वो इंसान जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है और आज एशिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट का मालिक है। अगर उनकी जर्नी की शुरुआत की बात करें तो आप लोग मानोगे नहीं कि इतना कुछ कोई अपनी लाइफ में कर कैसे सकता है। फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन लुधियाना टू ऑफिशियल पार्टनर विद जो वीडर्स मिस्टर ओलंपिया, दिस मैन हैज एंटायरली चेंज द बॉडी बिल्डिंग सीन अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन ऑब्वियसली इतना कुछ करने के लिए किसी इंसान को बहुत ज्यादा जीनियस और लकी होना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शेरू हरमीत आंग्रेश की शेरू पाजी बनने की कहानी और ऑब्वियसली इनकी कुछ नेगेटिव साइड्स को भी डिस्कवर करेंगे, जैसे कि 2014-15 में शेरू क्लासिक ना होने की वजह और साहिल खान के साथ कंट्रोवर्सी। इनकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी की शुरुआत होती है 1994 में। इस साल इन्होंने अपना पहला बॉडी बिल्डिंग शो खेला जो था मिस्टर लुधियाना और ये उसको जीत गए। इस शो के 6 महीने बाद इन्होंने जूनियर मिस्टर इंडिया खेला, ये वो भी जीत गए। और 1994 से 98 के बीच में इन्होंने इंडिया में काफी सारे शोज खेले, जैसे कि जूनियर मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया और भी काफी सारे थे और 90% ऑफ द शोज इन्होंने गोल्ड के साथ फिनिश किए। 1999 में ये इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, वहां भी उसी साल स्टार्स ऑफ टुमारो नाम का शो खेला, उसको भी जीता। और 2000 में इन्होंने साउथ ईस्ट इंग्लैंड चैंपियनशिप में कम्पीट किया और उसको भी जीता। 2002 में ही टर्न्ड अ प्रो, लेकिन प्रो बनने के बाद इन्हें एक मेजर इंजरी हो गई, ही टोर्न हिज पैक। बट आफ्टर द इंजरी आई वाज वेरी डिसहार्टेड, ओह आई कांट कम्पीट, बट दिस आइडिया कमिंग टू माय माइंड, इफ आई कांट डू इट, समबडी फ्रॉम इंडिया हैव टू डू इट। India has got potential to produce Olympic champions, Mr. Olympia, you know, Miss Olympia. So that is the moment I decided I have to do something. इतनी major injury के बाद obviously इनको pull out करना पड़ा, लेकिन then he thought to promote bodybuilding in India. तब इन्होंने bodybuilding businesses में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। ये Ghost Gym के 4 franchisee इंडिया लेके आए और काफी सारे supplement brands को establish किया गया इंडिया में अपने भाई हेमंत आंग्रेश के साथ मिलकर। 2009 में he met Jim Mannion जो Olympia के chairman है, और तब उन्होंने Jim से बात कर ली थी कि 2011 में इंडिया में प्रो लीग लाई जाए, जो हुआ भी और जो इतने बड़े लेवल पे हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था। 2011 के शेरू क्लासिक कंपटीशन में फिल हीथ, जे कटलर, काई ग्रीन जैसे एथलीट्स आए जिनको इंडिया लाने का सोचना भी इम्पॉसिबल था उस टाइम पे। ये तीनों जस्ट कुछ दिन पहले ओलंपिया में खेल के आए थे। फिल हीथ ने शो को जीता था और ओलंपिया भी रेनिंग चैंपियन जे कटलर को हराते हुए फिल ने ही जीता था। तो ओलंपिया के बाद सब एथलीट्स ऑफ सीजन शुरू कर देते हैं। जो टॉप 5 एथलीट्स होते हैं वो अगले साल के ओलंपिया के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं और वहीं से वो नेक्स्ट ओलंपिया के लिए ऑफ सीजन शुरू कर देते हैं। उनको सीधे ओलंपिया के बाद प्रो शो में लाना मुश्किल बहुत होता है, लेकिन स्टिल उन्होंने शेरू क्लासिक में कम्पीट किया, विच वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर शेरू आंग्रेश। 2011 में इंडिया में प्रो लीग लेके आए, जो एशिया का सबसे पहला IFBB प्रो शो था। 2016 में दुबई में एक प्रो शो ऑर्गेनाइज करवाया, 2018 में कोलंबिया में एक प्रो शो ऑर्गेनाइज करवाया। इसको हम कह सकते हैं कि जो इंडिया में कोई करने की सोच भी नहीं सकता था वो शेरू पाजी ने करके दिखाया। अब आप लोग बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन 2013 में शेरू के ऊपर क्रिस गैथिन ने जो एलिगेशन लगाए थे वो क्या था? इसी के साथ लेट्स गेट इनटू द अनदर हाफ ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम लोग शेरू द आंग्रेश की कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। 2013 में बांद्रा पुलिस ने एक टीम भेजी शेरू क्लासिक प्रोडक्शन ऑफिस में, लेकिन शेरू पाजी उनको वहां नहीं मिले। वो कंप्लेंट की थी क्रिस गैथिन और उसकी वाइफ मरिका जोहेंसन ने। ये दोनों बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं और शेरू पाजी ने 2011 में ऋतिक रोशन की क्रिश 3 के लिए इनको अपॉइंट किया था। क्रिस गैथिन ऋतिक रोशन को ट्रेन करते थे और उनकी वाइफ मरिका रोशन फैमिली की ट्रेनर थी। ऋतिक ने शेरू को 1 करोड़ रुपए दिए थे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो पैसे क्रिस और मरिका को नहीं पहुंचे। शेरू क्लासिक फाउंडेशन ओड 28 लाख रुपीज टू क्रिस एंड क्लोज टू 83 लाख टू मरिका। इस इंसिडेंट के बाद शेरू की इमेज काफी खराब हुई। क्रिस ने बोला कि इवन डोरियन येट्स ने भी इनको शेरू से दूर रहने की वार्निंग दी थी, लेकिन शेरू आंग्रेश अपनी बातों से इतना प्रॉमिसिंग और जेन्युइन लगा कि हम लोगों ने डोरियन के एडवाइस को इग्नोर कर दिया। और जो बॉडी बिल्डिंग को हल्का सा भी फॉलो करता है, ही मस्ट नो कि ग्लोबल बॉडी बिल्डिंग में डोरियन येट्स क्या चीज है। ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द स्पोर्ट। और डोरियन के साथ भी 1 मिलियन का स्कैम किया था शेरू ने, ये साहिल खान का कहना है। तो डोरियन अगर शेरू पाजी के बारे में ऐसा बोलते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि कैसी रेपुटेशन रही होगी इनकी। इसके अलावा भी कई सारे लोगों के पैसे इन्होंने लुटाए नहीं, डेट में चले गए ये दोनों भाई। बीच में 2 साल शेरू क्लासिक हुआ भी नहीं, और जब इनसे पूछा गया कि ये क्यों नहीं हुआ था तो इनकी बातों में लॉजिकल फैलेसीज लगी मुझे। बाद में उन्होंने ब्रेन ट्यूमर की मेडिकल प्रॉब्लम बता के इसको जस्टिफाई किया, लेकिन पर्सनली मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप देखो एक बार शेरू पाजी का आंसर, मुझे तो कंप्लीट नॉनसेंस लगा ये आंसर। मेरे ख्याल से 2 साल शेरू क्लासिक हुआ भी नहीं, तो व्हाई वाज इट मिसिंग, मतलब वी वर मिसिंग इट, कि भाई कहां चला गया, तो कोई रीजंस थे उसके पास क्या थे? 2011 वाज गुड, यू नो, एक्सपेंडिचर वाइज टू एनी यंग एंटरप्रेन्योर, माय एडवाइस, व्हेन वी ब्रिंग शेरू क्लासिक आई वाज 32 इयर्स ओल्ड,
you know, we have invested almost $1 million, you know, and it's a big decision. Now, to believe in a new concept, agar koi bhi young ladka ya ladki ke paas new concept hai, so until and unless you don't believe in your vision, nobody else will believe. Because if you are visionary, you are not 1-2 years ahead, you are 20 years ahead of time. The biggest example is Steve Jobs. You know, if you go back in the history books, he was kicked out from his own company. You know, he did suffer from financial problems. You go through the history of any billionaire, every billionaire was once a bankrupt. Because if you're talking about a visionary person, they are much ahead of time. And you can't blame them because nobody else will understand what they are thinking. Correct. Because they are blessed. But at the same time, it's a disguise because they have to struggle. Nikola Tesla, see, he was 150 years ahead of time. The concept of free energy. And now Elon Musk is banking money out of Tesla. The Tesla cars is a premium luxury car. Billionaire. So that's what I'm talking about. I have no regrets. इस टॉपिक पे साहिल खान का कुछ और कहना है। 2014 और 2015 में शो नहीं हुआ क्योंकि इनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, ऐसा इनका कहना है। क्या पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपने 2000 अपनी जिंदगी जो 2002 में आपने शुरू की वहां से लेकर आप आए 2009 में डोरियन डियथ के साथ घोटाला किया 1 मिलियन का, वहां से लेकर 2011 में आपने शो किया, बहुत अच्छा शो किया, मैंने शो की तारीफ की, और उसी शो के बदौलत आप घोटाला कर रहे हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई सर कि आप जे कटलर फिर ही जैसे लोग को लाए 2011-12 में, 12-13 में, और 14-15 में सर आपने नहीं किया? क्या हो गया था? आपको हर्निया प्रॉब्लम था, हेल्थ प्रॉब्लम था, पर्सनल प्रॉब्लम थी, घर में डेथ हो गई थी? नहीं, 2013 में आपने जो पूना में शो किया था उस शो का पैसा आपने नहीं दिया, लोग आपको ढूंढ रहे थे। तो 2014 में 13 के शो के पैसे नहीं देने की वजह से 2014-15 में आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपको पूना में उठा के लेके गया और 42 लाख रुपए आपके बाकी थे। उन पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं क्योंकि उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनसे मदद आएगी अगर आपने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रूफ कर दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 42 लाख के लिए आपको यहां से पुणे लेके गया गए और उसके बाद 30 लाख में आपने मांडवली करके उस मामले को खत्म किया, इसीलिए 2014 और 2015 आपका शो नहीं हुआ। वैसे मैं साहिल को इतना पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो इसने यहाँ पे बोला है वो शेरूपा जी के बारे में बहुत कुछ बताता है। इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए इन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया YouTube पर। अब किसको सही मानना है किसको गलत मानना है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन शेरू आंग्रेश ने कुछ भी किया हो ना किया हो, मैं एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस बोल के इसको जस्टिफाई तो नहीं करूंगा, लेकिन इन दी एंड एथलीट्स को एक स्टेज प्रोवाइड कराना काफ़ी बड़ी बात है। अब पॉलिटिक्स है कि नहीं, एथलीट्स को पैसा मिलता है कि नहीं, प्रॉमिस रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि नहीं, ये भी कंसर्निंग चीजें हैं। अब एक्सपोजर देने जैसा सुप्रीम काम शेरूपा जी पे लगाए एलिगेशंस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, इसका आंसर तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मैं तो एक चीज बोलूंगा कि बी अवेयर ऑफ द नेगेटिव साइड्स ऑफ द मेनस्ट्रीम पर्सनालिटीज। कुछ ना कुछ फैलेसी सब में होती हैं और उनको जानना बहुत जरूरी है। साहिल खान की नेगेटिव साइड जानने के लिए आप लोग एंड स्क्रीन से ये वीडियो देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।